आम आदमी पार्टी के नेता एक एक करके आबकारी नीति के शिकार होते जा रहे हैं। जो नीति देश और समाज के फायदे के लिए बनाई जानी थी, उस नीति को केजरीवाल समूह में मलाई चापने का औजार बना लिया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ऐसा ही हुआ केजरीवाल एंड टीम के साथ। धीरे धीरे सभी जेल के भीतर पहुंच गए हैं। केजरीवाल भी कह रहे हैं मेरा कोई दोष नहीं है, यानी डर उन्हें भी है और कहीं मैं ना फंस जाऊं ये डर उन्हें सता रहा है। पहले केजरीवाल के दो प्रमुख नेता जैन और सिसोदिया तिहाड़ जेल गए और अब तीसरे नेता संजय सिंह भी तिहाड़ पहुंच चुके हैं और तिहाड़ में संजय सिंह की नींद उड़ गई है। संजय सिंह को लग रहा है कि मैं कितने महीनों तक अंदर रहूंगा, क्योंकि 7 महीने से तो मनीष सिसोदिया ही अंदर हैं। संजय सिंह तो रोज रोज मीडिया में आकर बयानबाजी किया करते थे, अब अंदर 4 दीवारी में कैद हैं और बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। संजय सिंह को डर सता रहा है कि कहीं लोकसभा चुनाव तक वो अंदर ही ना रह जाएं। ऐसे में अब आपके नेता उल जलूल बयान दे रहे हैं। क्या है खबर बताते हैं आपको। दिल्ली की अब निरस्त आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने रिहाई की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि धन शोधन निरोधक कानून उत्पीड़न का औजार नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी अवैध दुर्भावना से प्रेरित तथा सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है, इसीलिए ईडी की हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश को दरकिनार किया जाए। वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा के समक्ष कहा कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम उत्पीड़न का औजार नहीं हो सकता। यदि ऐसी छूट दी जाती है तो कोई सुरक्षित नहीं है, यह सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है। अब संजय सिंह लाख कहें कि वो निर्दोष हैं, लेकिन ईडी ने यह दावा किया है कि संजय सिंह के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है। ईडी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह ने मौद्रिक फायदे के लिए इस नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे कुछ खास विनिर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ था। वहीं संजय के वकील ने उच्च न्यायालय से कहा कि गिरफ्तारी नहीं टिक सकती है क्योंकि कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। संजय सिंह के वकील ने यह भी कहा कि बिना पूर्व नोटिस या समन के आम आदमी पार्टी नेता को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। संजय सिंह ने अपने वकील के जरिए सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि मैं एक सार्वजनिक हस्ती हूँ, मैं इस देश का जनाधार वाला नेता हूँ, मेरी गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण और प्रक्रिया विरुद्ध है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि मुझे एक भी नहीं दिया गया। 4 अक्टूबर को ईडी सुबह मेरे घर पर पहुंचती है, पूरे दिन तलाशी करती है। ईडी और सीबीआई को बयान देने के बाद अरोड़ा अचानक मेरा नाम ले लेते हैं। संजय सिंह के वकील ने कहा कि कानून के मुताबिक ईडी के लिए याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी का आधार बताना जरूरी है और यह आधार महज वैधानिक प्रावधानों को बता देना भर नहीं हो सकता। संजय सिंह जब से गिरफ्तार हुए हैं बस कोर्ट में आते जाते वक्त उल जलूल बयान दे देते हैं, लेकिन अपने बेगुनाही का सबूत नहीं दे पाते। इससे पहले पेशी के दौरान कोर्ट में वो अडानी का राग अलाप रहे थे, लेकिन जज साहब से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी दूसरे मुद्दों पर भाषण न देगी, इससे जुड़े मुद्दों पर बात की जाए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।